तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास है एक वीवो का 1801 के मॉडल नंबर ये फ़ोन है। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है, जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो चार्जर सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही चार्जिंग शो करता है। देखिए, अभी चार्जिंग दिखाई दे रही है ये, और अपने आप हट गया। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, और इस तरीके का सैंपल बन के आता है, अनएबल टू चार्ज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अवर आफ्टर सेल्स सर्विस। यानी कि ये इसकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्यूशन होगा वो आप अभी देखेंगे। तो इसको ओके कर दिया हमने, और इसको ओके करने के बाद सेटिंग पे इसके जाएंगे, और सेटिंग पे जाने के बाद देखेंगे कि सिस्टम अपडेट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर सिस्टम अपडेट होगा तो लिख के आ जाएगा द सिस्टम ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन अपडेट, और नहीं है तो अपडेट आपको करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों, आपको मोर सेटिंग पे जाना है। अगर फिर भी आपका अपडेट के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो मोर सेटिंग पे जाने के बाद आपको बैकअप रीसेट पे जाएंगे, और बैकअप रीसेट के बाद रीसेट ऑल सेटिंग पर ही क्लिक करना है, इसके अलावा किसी पर नहीं। और इसके बाद अपना पैटर्न जो भी है उसको क्लिक करने के बाद रीसेट ऑल कर देंगे। जैसे ही रीसेटिंग होगी, यानी कि इससे जो भी इस सेटिंग की जो प्रक्रिया है वो सारी कुछ ओरिजिनल होने वाली है, यानी कि रीसेट हो जाएगा सेटिंग की सिस्टम। और दोस्तों, अपने आप फ़ोन जो है बंद होकर एक बार चालू होगा, और चालू होने के बाद कई बार ये होता है कि डिस्प्ले की जो टच होती है वो वर्क नहीं करती। तो क्या ऐसी कंडीशन में करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। कई बार ये हो जाता है कि टच वर्क नहीं करती है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टच वर्क नहीं कर रही है अगर आपकी, तो हमने ये कर दिया है, टच जैसे हमारी वर्क नहीं कर रही, तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको रीबूट फ़ोन को करना होगा। और एक बार रीबूट फ़ोन को आप कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। रीबूट करने के लिए दोस्तों, आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर की बटन को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप पावर की बटन को प्रेस करेंगे और एक बार फ़ोन चालू होगा, तो अभी देखिए, तो रीबूट जो लिख के आ रहा है, तो इस पर टच करेंगे तो टच नहीं होगा, क्योंकि टच वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमको वॉल्यूम डाउन वाले बटन से नीचे ऊपर करके रीबूट पे सेट कर देना है। तो देखिए, अभी हम वॉल्यूम डाउन बटन से क्लिक करेंगे और ऊपर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, और पावर की बटन को एक बार प्रेस कर देंगे, तो ये एक बार फ़ोन अपने आप बंद होके एक बार चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से चालू हो जाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये प्रॉब्लम दोस्तों किसी भी फ़ोन में आ सकती है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों सभी फ़ोनों का यही है। इसी तरीके से वीवो के कोई भी फ़ोन में अगर प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी रुक के देखेंगे, और जैसे ही ये लोडिंग वोडिंग सब कुछ कम्प्लीट हो जाएगा, तो ये चार्जिंग भी की प्रॉब्लम थी ये, जो हट जाता था 2 से 3 सेकेंड में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि हमारी जो चार्जिंग शो कर रही थी वो शो कर ही रही है। तो अभी आपको शो करा के दिखा देते हैं, चार्जर लगा हुआ है, और देख सकते हैं आपकी चार्जिंग, हमारा सैंपल जो है दिखाई दे रहा है, अब नहीं हट रहा है। पहले 2 से 3 सेकेंड में हट जाता था, और एक मैसेज देखने को मिलता था, वो ना ही अब मैसेज आ रहा है, और चार्जिंग भी हमारा हो रहा है। तो दोस्तों, बस वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो एक बार प्रॉब्लम सॉल्व होने पर कमेंट करके ज़रूर बता देना, जैसा भी आप फीलिंग की है। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के टॉपिक लेके आते रहते हैं। तो देखिए, अभी हमारा मोबाइल जो को प्रॉपरली चल रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने हार्ड रीसेट नहीं किया है, ओनली मोबाइल की सेटिंग को ही रीसेट किया है। तो सेटिंग से भी हो जाता है, सॉफ्टवेयर से भी हो जाती है प्रॉब्लम। तो इसको आप अपडेट कर दें फ़ोन को, और अपडेट के बाद एक बार रीबूट कर दें, कहने का मतलब ये है। आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी अगर ये प्रॉब्लम है